हम क्या करेंगे उनको एक नैरो बैंडेज बनाएंगे। ये मेरा ट्रैबुलर बैंडेज, मैं नैरो बैंडेज बनाने का तरीका देखो, मैंने क्या किया, आप इसको बेस के ऊपर रखा है, वो शोल्डर बैंडेज उसे कहते हैं। बाद में उसको हमने इस तरह क्या किया है, हाँ सेकंड फोल्ड, हाँ ब्रॉड बैंडेज होगा, और फिर एक फोल्ड ऐसा किया, उसको बोलते हैं नैरो बैंडेज। तो हम किधर क्या करेंगे, एक मलम पट्टी लगाएंगे, साथ ही साथ उसको इस तरह बैंडेज लगाएंगे, पेशेंट को हमारे बदन के शरीर के ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, सिंपल नॉट, ये सिंपल नॉट देखो आसानी से हम किधर भी बांधते, सिंपल नॉट करेंगे, पेशेंट होश में है उनकी मदद लेंगे। उसके साथ ही साथ वो क्या करेंगे, हम ये दोनों पॉइंट को इस तरह आगे पीछे करेंगे, और यहाँ पे एक रिफ नॉट लगाएंगे। ये हुआ रिफ नॉट, और ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, इस तरह अंदर की तरफ डक देंगे, जिसको सपोर्ट मिलेगा, मलम पट्टी स्थिर रहेगी, उसको बोलते हैं हम जॉ बैंडेज। कौन सा बैंडेज, जॉ बैंडेज। अलग अलग टाइप के प्रकार है ये, कोई बैंडेज से हम बांध सके, मैंने दो तीन आकर आपके टाइम के मूल्य से मैंने बताया। ओके ओके फ्रेंड्स, एनी डाउट। अभी मेरा मायने है, अगर पेशेंट होश में है तो उनकी मदद मिलेगी। ओके, तो वो मैं बता दूं, फिर बेहोश है तो कैसे बांधेंगे, दो 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 टाइप से। तो इधर हमने एक मलम पट्टी लगाई, उसके साथ साथ ये बैंडेज को नैरो बैंडेज बना लिया, चार फोल्ड बना लिया। इसको हम इस तरह क्या करेंगे, सिंपल नॉट लगाएंगे इस तरह, पेशेंट को बोलेंगे पकड़ो, ये दोनों पॉइंट को पकड़ो। इसके साथ ही साथ ये नॉट्स को आगे पीछे करेंगे, और ये दोनों पॉइंट को टाइट करके यहां पे एक रिफ नॉट, बोले तो मराठी में हम उसको चपटी गांठ कहते हैं, रिफ नॉट बांध दिए, और ये दोनों पॉइंट को इस तरह रखेंगे, उसको बोले बोले तो जॉ बैंडेज, इफ द पेशेंट इन कॉन्शियस पोजिशन। इफ पेशेंट इन अनकॉन्शियस पोजिशन, हाउ टू टाई द बैंडेज, तो क्या करना है, पेशेंट को अपने शरीर को ऊपर बंद कर जाना है, एक एस्पेक्ट को क्या करना है, कम करना है, एक एस्पेक्ट को ज्यादा देना है, एक साइड को क्या करना है, बिल्कुल क्रॉस करना है, ऑपोजिट साइड को क्या करना है, नॉट देना है, रिफ्लेक्ट इस साइड को, और ये रिफ्लेक्ट इस तरफ हमें बांधना है। ये दोनों पॉइंट को हमने क्या किया है, इस तरफ पॉइंट का अंदर डाल दिया। तो ये हुआ जॉ बैंडेज के दो प्रकार, कॉन्शियस इनकॉन्शियस पोजिशन, ऐसे अलग अलग प्रकार है, लेकिन टाइम की वजह से मैंने ये दो प्रकार आपको बताए। जैसे मतलब हमें हेड इंजरी होती है, हाँ सो वो बहुत मेन इंजरी होती बार है, बार तो उसको क्या कैसे बनता है। ओके वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल किया है हमारे पेशेंट ने, तो पेशेंट ने सवाल किया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, हम उनका जवाब भी देते हैं, बैंडेज भी बांध देते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर हेडिंग बहुत डेंजरस होती है, कुछ भी जाता है, काट के टुकड़े हो रहे हैं, तो हमें ऊपर ऊपर तो दिखाई देते हैं, हम निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादा देख रहे हैं कुछ निकालने का नहीं है, वो डॉक्टर का काम, वो हमारे पास कुछ नहीं क्वेश्चन रखा, हमारा काम सिर्फ ये है कि उनको हेड बैंडेज देना है, हवन न जाए या कोई कीटाणु न जाए, उनको रिलीफ मिलना चाहिए, तो हम हेड बैंडेज बांधे, उसको बोलते हैं हेड बैंडेज, वेरी गुड। तो हम कोई हेड बैंडेज आपको बांधेंगे, कोई बात नहीं। देखो इस इधर लगा हुआ जख्म है, इंजुरी, तो ये इंजुरी को किस तरह हम बैंडेज बांधेंगे, तो ये जो बेस जो पोर्शन है बेस, उसको ऐसा जरा एक फोल्ड करना, उसके साथ साथ ये इसको इस प्रकार रखना, क्लियर, जैसे क्लियर। अभी ये जो है हम उसको साई बाबा बैंडेज भी कहते हैं, उसको नीचे से ये देखो ऐसा करके है, क्या करना है, बिल्कुल आगे की तरफ लेना है, यहाँ पे एक रिप नॉट लगाना, कौन सी नॉट लगाना है, बिल्कुल बैंडेज बांधने के लिए रिप नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रिप नॉट यहाँ पे हम बांधेंगे। इसके साथ ही साथ ये दोनों पॉइंट को अंदर की तरफ यहाँ पे
डर देंगे, या सेफ्टी पिन हमारे पास है तो सेफ्टी पिन का यूज हम करेंगे, और पीछे का जो पोर्शन है उसको अंदर की तरफ हम इस पर रखेंगे। अभी पीछे से सबको तो ये वहां घेर गए, मतलब सब पोस्ट जो है कवर हुआ है, कुछ हवा भी नहीं जाएगी, कुछ कुछ इंसेक्ट भी नहीं जाएगा, कीटाणु नहीं जाएगा, और डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर जो भी है वो ऑपरेशन करना है, कुछ करना है वो आगे के बाद, हमारा काम सिर्फ बैंडेज को कवर करना है, हेड को कवर करना है। तो ये एक ट्रैवल बैंडेज के बारे में मैंने आपको कुछ